नमस्कार। मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट के 11 पोलिंग स्टेशन पर सोमवार को एक बार फिर से वोटिंग की शुरुआत हो गई है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। पोलिंग बूथ पर फायरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ की घटना भी हुई। इसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि सोमवार को इन सभी 11 पोलिंग बूथों पर दोबारा से मतदान करवाए जाएंगे। सभी 11 पोलिंग बूथों पर लोगों ने एक बार फिर से वोट डालने के लिए पहुंचना शुरू कर दिया है। इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि इस बार कोई भी अपराधी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने नहीं पहुंच पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात करते हुए बताया गया है कि स्थानीय व्यक्ति ने ये बताया कि हम यहाँ पर वोट डालने आए हैं, दोबारा से मतदान हो रहा है, सिक्योरिटी की काफ़ी कड़ी यहाँ पर निगरानी है। मणिपुर में 19 अप्रैल को 7 बजे तक 69.18% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग जिन 11 पोलिंग बूथ पर दोबारा से मतदान करवा रहा है उसमें खुराई विधानसभा क्षेत्र के मोईरंग कंपू सावेज अपर प्राइमरी स्कूल और एस इब्रोबी प्राइमरी स्कूल पोलिंग बूथ शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय गांव में 4, थोंगजू में 1, उरी पोक में 3 और कोंथोजम विधानसभा क्षेत्र में मौजूद एक पोलिंग बूथ शामिल है। इन पोलिंग बूथ पर लोगों ने दोबारा से मतदान के लिए पहुंचना भी शुरू कर दिया है। मणिपुर में पहले चरण की वोटिंग के दौरान इन पोलिंग बूथों में से कई में ईवीएम में तोड़फोड़ की गई थी और एक पोलिंग बूथ पर हुई फायरिंग में एक शख्स घायल भी हो गया था। इम्फाल के मोईरंग कंपू साजेव अपर प्राइमरी स्कूल पोलिंग बूथ में झड़प की घटना देखने को मिली। बता दें इनर मणिपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 32 विधानसभा क्षेत्रों और आउटर मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 15 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था। आउटर मणिपुर के 13 क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं जिसकी तैयारियां शुरू हैं। हालांकि यहां पर यानी कि मणिपुर में सुरक्षा बल को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात किया जा रहा है क्योंकि मणिपुर में कभी भी हिंसा भड़क सकती है, ऐसा सभी जानते हैं। और क्योंकि हिंसा भड़कने के कारण ही एक बार फिर से मणिपुर में चुनाव किए जा रहे हैं।